हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज है 17th of January और सुबह के बजे हैं 8। और जयपुर में आज काफ़ी ठंड है, मतलब फॉग ही फॉग हो रखा है चारों तरफ। आपको 300-400 मीटर पे भी कुछ भी नहीं दिखेगा, कुछ भी। अभी तो फिर भी थोड़ा बहुत कम हो गया है फॉग। बाकी मैं उठा था लगभग 7 बजे, उस टाइम पे तो और भी ज़्यादा फॉग था। और अपनी मॉर्निंग हो रही है गर्म पानी के साथ, बट ठंड बहुत है। मेरे मुंह से भाप निकल रही है गर्म गर्म। तो अब मैं जा रहा हूँ जिम। मेरे को लगभग 1 वीक हो चुका है जिम गए हुए। 1 वीक से जिम नहीं गया हूँ बिल्कुल भी, तो आज से फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ जिम जाना। फिर जिम से आके नहाएंगे धोएंगे खाएंगे, उसके बाद अपन चलेंगे मार्केट। मेरे को मार्केट में आज काफ़ी सारा काम है। बाकी ऑलमोस्ट सभी लोग सो रहे हैं, बस मम्मी भैया ही जग रहे होंगे। अगर नीच उठ गई होगी तो उठ गई होगी। बाकी चलो नीचे चल के देखते हैं कौन कौन उठाए। तो आज मैं सबसे पहले भी लाता हूँ आपको हमारी गणेशी से। गणेशी, गुड मॉर्निंग। और अब मिलाता हूँ भैया से। भैया उठ चुके हैं, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और अब मिलाता हूँ मम्मी से। मम्मी हमारी ये रही। मम्मी ये रही। तो गाइज़, हमने अभी केले फिनिश कर लिए, अब हम चलते हैं जिम। तो गाइज़, हम पहुँच चुके हैं जिम और मैं लिटरली बता रहा हूँ इतनी ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है। इतनी सी देर में मेरे हाथ ऐसे हो गए हैं बिल्कुल, ऐसे बर्फ़ में से निकाले। बाइक पे आया हूँ मैं अभी और अब हम पहुँच चुके हैं जिम। तो अभी एक्सरसाइज हो गई है सारी और आज हमने लगाई है मिक्स एक्सरसाइज, जिसके अंदर बाई शेप, ट्राई शेप, चेस्ट एंड बैक थी। और अभी जिम जो है पूरी खाली हो चुकी है, आप देख सकते हो। सिर्फ ये एक भैया हैं और हमारे ट्रेनर एक मैं हूँ। अभी जो मौसम जो है वैसा ही है, क्लाउडी क्लाउडी जैसा बारिश में होता है, और हल्की हल्की धुंध है जो अभी लगभग 11-12 बजे तक हट जाएगी। तो गाइज़, अभी मैं आ गया हूँ घर पर और अब मैं लूँगा थोड़ी बहुत डाइट। और ये नागिन यहाँ पे फोटो शूट कर रही है। मम्मी यहाँ पे सब्जी काट रही है। मम्मी क्या बन रहा है आज? फ्राई गोभी बन रही है आज। कुछ कहना चाहोगे हमारे दर्शकों से मम्मी? हेलो हेलो। और नीच यहाँ पे बर्तन धो रही है। कुछ कहना चाहोगे हमारे व्यूअर्स से? नहीं, मैं तो कुछ नहीं बोल रही यार, मैं तो कुछ नहीं बोल। इनको कुछ नहीं बोलना। और बाबू जी यहाँ पे आराम से कम्बल में लेट के टीवी देख रहे हैं क्योंकि सर्दी बहुत हो रही है। शुभांशी, ओए बाप रे, गुन्ना सो रहा है हमारा छोटा सा भाई। हमारी छोटी गोलू सो रही है भाई। शुभांशु, ए शुभांशु, ये भी निन्नी कर रही है। आज इसका मूड नहीं है व्लॉग में आने का, है ना शुभांशी? इसको सोने देते हैं, हम डिस्टर्ब नहीं करते। जेके हमारा यहाँ पर आराम से जो है सो रहा है। तो यहाँ पे मेरा शेक बन के हो चुका है रेडी। तो गाइज, अभी मैं कर रहा हूँ ब्रश, और ब्रश करके मैं जाऊँगा नहाने। फिर उसके बाद अपन चलेंगे सिटी। आज अपन को लगाने हैं कुछ पार्सल और एक दो जगह से अपन को रिंग उठानी है और स्टोन उठाने हैं। और नित्य यहाँ पे कपड़े सुखा रही हैं, अभी धो के लेके आई हैं ये, और इन्होंने नहा भी लिया है। मैंने अभी नहाया नहीं है, मैं अभी जाऊँगा नहाने। आप नहाते गाँव नहीं नहाते हम तो? हाँ, ये कम से कम सर्दियों में 8-10 दिन तक नहीं नहाते। पता नहीं आज कैसे इनका मूड निकल गया नहाने का। इग्नोर, मैं नहाता हूँ, डेली नहाता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं
और अब जो है मौसम बिल्कुल खुल चुका है, एकदम चिलकती हुई धूप आ रही है, एकदम बादल आ रहे हैं छोटे 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 जो मैं दिखा रहा हूँ एक बार आपको, अगर दिख रहे हो तो, जो मिनी मिनी से बादल होते हैं ना वो बहुत सुंदर लगते हैं देखने में दूर से। और एकदम बहुत तेज़ धूप पड़ रही है, सुबह का मौसम देख के लग रहा नहीं था कि आज जो है धूप भी निकलेगी, पर नहीं आज धूप निकल आई है और बहुत प्यारा मौसम लग रहा है, एकदम ठंडा ठंडा और एकदम उस सामने से जो है सूरज की रोशनी पड़ रही है। ये नित्य देखो यहाँ पे क्या उगा रखा है, क्या है ये? लहसुन। इन्होंने लहसुन उगा रखा है, मैंने कभी नोटिस नहीं किया, मैंने आज ही नोटिस किया है, ये छोटे छोटे ऐसे पॉट्स के अंदर जो ऐसे ही बना रखे हैं जो फ्रीज से निकले हुए हैं, जो मतलब वेस्टेज था उसके पॉट्स बना के इन्होंने ऐसे पेड़ पौधे उगा दिए इनके अंदर, काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। और ये है गुलदाउदी का फ्लावर क्योंकि इनको पेड़ पौधों से बहुत प्यार है। क्यों? यस। कितना प्यार है? बहुत ज़्यादा, आपसे ज़्यादा। तो गाइज मैंने अभी अभी जस्ट ये एक पतंग लूटी है, ब्रश कर रहा था तो इस साइड से आई थी तो मेरी नज़र पड़ गई एकदम से, मैंने उस वाली छत से जो है जाके पकड़ ली फिर ये पतंग, इसको उड़ाएंगे अब शाम को आराम से। तो मैं छत पे ब्रश करता करता घूम रहा था तो मेरी नज़र एकदम से पड़ी किसी चीज़ पे, जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो हमारे घर में कितना बड़ा आर्टिस्ट है और हमको पता नहीं था। ये देखो कितना प्यारा मतलब स्केच बनाया है देवांशी ने एक छत के ऊपर, कितनी प्यारी लग रही है और अपना नाम भी लिखा है ऊपर देवांशी, बहुत प्यारा लग रहा है। देखो कैसे मतलब इसकी जीभ निकाल दी, कैसे इसकी एक आंख है जो मतलब ऐसे बंद कर दी जिससे ऐसा लगे कि हाँ ये कोई नोटिसा फेस है, बहुत प्यारा लग रहा है। ये देखो डिटेलिंग देखो, यहाँ पे इसने दो क्लिप्स लगाई हैं और बाल देखो इसके कितने प्यारे हैं, मतलब यहाँ पे नित्स ने जो है अपना चूल्हा जलाना स्टार्ट कर दिया है, अब ये यहाँ पे बनाएंगे रोटी और चूल्हे की रोटी बनाएंगे और इन्होंने स्टार्ट कर दिया है चूल्हा जलाना, इसको बस जलाना ही जो स्टार्टिंग का होता है वही सबसे हार्ड प्रोसेस होता है, बाकी उसके बाद जलने के बाद फिर ये जो है नॉर्मल हो जाता है, धुआं वगैरह नहीं देता, स्टार्टिंग में ही ये सबसे ज़्यादा दिक्कत करता है। क्यों? एम आई राइट? तो अभी मैंने ब्रश कर लिया है और मुझे नहाने जाना था पर बाथरूम में जो है भाभी गई हुई है तो वो आ जाए फिर मैं नहाने जाऊँगा। तो गाइस अभी हम नहा धो के हो चुके हैं रेडी और अब मैं जा रहा हूँ छत पे खाना खाने, क्योंकि सब लोग छत पे ही हैं और मैं यहाँ पे नहा रहा था तो मैं अकेला नीचे ही हूँ, सब लोग ऊपर छत पे धूप खा रहे हैं और खाना खा रहे हैं, तो अब मैं छत पे जा रहा हूँ और खाना खा के फिर हम निकलेंगे सिटी के लिए। और सबसे पहले हम जाएंगे पोस्ट ऑफिस, इंडियन पोस्ट ऑफिस, वहाँ जाके हम पता करेंगे, मेरा एक पार्सल आने वाला था तो उसके लिए पता करेंगे वो आया है कि नहीं आया है, फिर वहाँ से हम निकलेंगे सिटी के लिए। तो चलिए पहले हम खाना खा लेते हैं। गाइस आज खाने में बना है आलू गोभी टमाटर की फ्राइड सब्जी और रोटी। तो गाइस मैं हूँ अभी चांदपोल में और मेरे को जिससे जो सामान लेना था, जिसको जो देना था वो सब मैं कर चुका हूँ और अभी टाइम हुआ है 5:56, यानी कि ऑलमोस्ट 6 बज चुके हैं शाम के और अब मैं जा रहा हूँ वापस घर। ये था मेरा आज का ब्लॉग और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ही ख़त्म। होप करता हूँ आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मैं ऐसे ही आपके लिए नई नई वीडियोज़ लाता रहूँगा।